तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है कि जो ये रूम आपको दिख रहा है, इस रूम में एयर है, सब लोग जानते हैं एयर है। अब एयर का इस रूम में कितना आपको लगता है कि मास होगा, कितने ग्राम होगा, बताओ ग्रुप क्या लगता है कितना मास होगा इस रूम में, इस पूरे रूम में जो आपको रूम दिख रहा है, इसमें एयर का कितना मास होगा ग्राम में लगभग, बोलो कोई आयुष, लगभग 1 kg। आलोक 250 ग्राम। कितना? आधा किलो। इनको लगता है आधा किलो। आदर्श 15 किलो। आदर्श लगता है कि 15 किलो। क्यों आदर्श ऐसा क्यों लग रहा है 15 किलो? सर क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा। आपको पूजा 2 kg। आपको सो 50 ग्राम। आपको 50 ग्राम लग रहा है। तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस रूम में जो मास है एयर का, इस एयर का जो मास है वो है 60 किलो, 60 kg। ठीक है, तो बहुत सरप्राइज लगता है कि यार एयर इतनी हल्की होती है तो मास ऐसा क्यों। तो जो मास होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप जानते हैं ये जो रूम है क्यूबॉइड है, लेंथ है, ब्रेड है, हाइट है। मान लो जो उसकी लेंथ है लगभग 15 फिट है, ब्रेथ 10 फिट है और हाइट कितनी है 15 फिट है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिट क्यूब में आएगा। जब मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो लगभग इसका वॉल्यूम आएगा 60 मीटर क्यूब। कितना आएगा? अब जो एयर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 kg per meter cube। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 kg। और ये हमें एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि एयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसंट्रेटेड नहीं है, पूरे रूम में फैली हुई है। अगर इसको कंसंट्रेट कर दिया जाए एक जगह तो ये 60 kg की एयर है। ठीक है, तो यही था। थैंक्स।